आज का टॉपिक हमारा है कि हमको अपने घर के लोड को उठाने के लिए लगभग कितने नंबर ऑफ सोलर मॉड्यूल्स की ज़रूरत होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होने वाले जो लोड्स रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता उनमें से, जैसे कि लमसम 300 से 400 वॉट के बीच में लोड रहता है, उनमें अगर हम देखा जाए मोस्टली 2 फैन हम इस्तेमाल करते हैं, 2 एलईडी लाइट्स मान लिया हमने, ठीक है ये एलईडी लाइट्स हैं, और मान लिया हमने एक ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं, और मान लिया एक आपका एलईडी टीवी चल रहा है। तो इन सब का अगर हम लोड का, ये तो हमारा टोटल लोड है, अगर हम इन सब का अगर वेरिएशन देखें तो फैन जो है लमसम आपका 80 वॉट ईच होगा, तो ये आपका टोटल लम आएगा आपका 160 वॉट, 160 वॉट का ये जो एलईडी लाइट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा 50 वॉट्स का, ठीक, क्योंकि ये 25 ईच होंगे। और बात करें हम ट्यूब लाइट्स की, तो ट्यूब लाइट्स आपका एक इस्तेमाल हो रहा है, ट्यूब लाइट्स का लोड लगभग 40 से 80 या 100 वाट तक हो सकता है। एलईडी टीवी का भी लमसम, आजकल एलईडी टीवी बहुत कम आ रही हैं, कम वाट के आ रहे हैं, 50 वाट के बहुत मिल जाएंगे आपको, 100 वाट भी वो ले सकते हैं, लेकिन हम एक जो नॉर्मली जो हम ले कर चलते हैं कि ये 5 स्टार्स है सर, ठीक। तो अगर हम इनको टोटल करेंगे तो 130 और 130 ये हो गया, और 60 ये आपका 300 हो गया टोटल, है ना, 164 200 हो गए, 50 300, तो आपके 300 लोड्स हैं। तो अब ये 300 लोड के लिए आपको स्टेप बाई स्टेप चलना होगा कि हमें ये जानना होगा कि ये कौन सी चीज़ किधर इस्तेमाल होगी और कब हमको कौन से पैरामीटर को फोकस करना है। तो आपका जो लोड कैपेसिटी है, माना कि अपने 300 वॉट, हमको ये पता है यहाँ पे कि 300 वॉट आपका होम लोड है, ठीक है। अब ये होम लोड को उठाने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये 300 वॉट के लिए ये पता होना चाहिए कि उस लोड के लिए कितना डीसी करंट रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। ये तो आपका घर का लोड है, अब इसमें पहला जो रहेगा स्टेप, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कैलकुलेट करना है डीसी करंट रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना रिक्वायर्ड रहेगा डीसी करंट इसके लिए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है पी इज़ टू वी इंटू आई, पी आपका हो गया पावर, जो कि हमें डायरेक्टली लोड से मिल जाएगा, ठीक, ये यहाँ से मिल जाएगा पी, और वी आपका होता है वोल्टेज वोल्ट, ठीक, ये आ गया करंट। अभी करंट है, अब P इज गल टू वी इंटू आई से अगर हम देखा जाए तो हमें डीसी करंट निकालना है, तो हमें निकालना I है डायरेक्ट, ठीक,
आई निकालने के लिए आई हमें निकालना है, तो यहाँ से आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी अपॉन वी, ठीक है। पावर का जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये वी इंटू आई के। अब यहाँ करंट आपको इन्वर्सली दिखेगा वी के, डायरेक्टली दिखेगा पी के, ठीक है। अब लोड आपको पता है, यहाँ पे लोड आपको पता है 300 वॉट है, ठीक। वोल्ट माना कि आपने देखे होंगे जो बैटरीज़ की जो लोड लोडिंग होती है वो 12 वोल्ट से लेके हम 24 वोल्ट के देखते हैं, जो क्लोज लूप सर्किट वोल्टेज में हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक। और ये यहाँ पर वोल्टेज जो हमने माना है कि मोस्टली हम 12 वोल्ट लेते हैं, ठीक है, ये 12 वोल्ट का हमने ले लिया, तो ये हमारा यहाँ से 300 अपॉन 12 डिवाइड बाय 12 आपका लम सम आ जाएगा 25 एम्पियर, ठीक है। ये आपका 25 एम्पियर यहाँ से पहले स्टेप से मिल गया, ठीक। सो कितना लोड आपको चाहिए 300 वॉट को उठाने के लिए, कितना डीसी करंट चाहिए आपको 300 वॉट के लोड के लिए, 25 एम्पियर, ठीक है। ये पहला स्टेप 25 एम्पियर आ गया, ठीक। अगर फिर हम जाते हैं दूसरी जगह पे, पहला स्टेप ये आ गया, नाउ कलर चेंज कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, बाद में हम देख लेंगे कि सेकंड स्टेप ये रहेगा कि जैसे कि आपने ये निकाला कि 25 एम्पेयर आपको चाहिए आपको 300 वोल्ट के लोड को उठाने के लिए डीसी करंट, ठीक। अब हमने ये भी जानना है कि बैटरी साइज सिलेक्शन कैसे करना है, वो भी AH में होता रहता है ना, बैटरी साइज सिलेक्शन इन AH। तो बैटरी साइज सिलेक्शन ये थोड़ा लाइट हो गया, बैटरी साइज सिलेक्शन कैसे रहेगा देखते हैं, कैसे निकालना है, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। इसका एक फॉर्मूला होता है बैटरी साइज सिलेक्शन का, डायरेक्टली ये होता है W इंटू H अपॉन V। सो यहाँ एक एक करके हम देख लेते हैं क्या है। ये है W टोटल लोड, ठीक है, टोटल लोड, और H है आपका बैकअप टाइम इन आवर्स, ठीक। और V है आपका वोल्टेज है, वो भी बैटरी का, ठीक है, ये बैटरी वोल्टेज है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये निकालना है कि आपको ये पता है कितना वोल्ट है, टोटल लोड क्या है, और बैकअप मान के चलिए आपने ये मान लिया कि बैकअप आपने ले रखा है तकरीबन 8 घंटे का, है ना, उसका बैकअप 300 वोल्ट को उठाने के लिए 8 घंटे का होना चाहिए, और वोल्टेज आपको पता ही है हम लेके चल रहे हैं 12। सो यहाँ से हमारा ये सेकंड स्टेप्स है, ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि 300 वॉट W जो था 8 आवर्स, ठीक, और डिवाइड बाय 12 बोल्ट। सो ये 12 बोल्ट
वोल्टेज हो गया, तो यहाँ से हमारा ऊपर से आ गया 2400/12, ठीक, ये फाइनली 200 AH आ जाएगा, ठीक है, ये एक हमारा 200 AH आपका बैटरी का साइज सिलेक्शन हो गया, ठीक। अब बैटरी का साइज सिलेक्शन हो गया आपके 200 AH की बैटरी का साइज है, और अब तीसरा स्टेप्स हमारे लिए क्या रहेगा, तीसरा स्टेप रहेगा हमारे लिए कि उसका बैटरी का चार्जिंग करंट निकालने का क्या तरीका रहेगा। जैसे आपने ये पता चल गया डीसी करंट कितना रिक्वायर्ड है उस लोड को उठाने के लिए, और बैटरी का साइज़ को भी आपने AH में निकाल लिया। तीसरा स्टेप्स हमारा जो मेन रहेगा वो रहेगा कि बैटरी को कितना करंट की रिक्वायर्ड है चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो बैटरी चार्जिंग करंट निकाल लेंगे, इसमें स्टेप में, ठीक, बैटरी चार्जिंग करंट। नाउ हमको यहाँ पर ये देखना है कि बैटरी चार्जिंग करंट में एक फॉर्मूला होता है जिसमें बैटरी साइज अपॉन जो 10 से हमें अपॉन उसको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये AH में रहेगा, ये बैटरी साइज जो हमने AH में निकाला था उसमें। सो हमने ये, हमें ये चीज़ पता है, ठीक है, AH जो बैटरी साइज है 300 वोल्ट के लोड के लिए हमने निकाला था 200 AH का है, तो 200 AH अपॉन 10 अगर हम करेंगे सो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 220 एम्पियर, ठीक है, 20 एम्पियर हमको मिल जाएगा अगर डिवाइड, ठीक है, 20 एम्पियर। अब ये 20 एम्पियर जो है ये आपका हो गया बैटरी चार्जिंग करंट, ठीक। अब ये बैटरी चार्जिंग करंट आपको तीन चीज़ मिल गई हैं। अब फाइनली हम बढ़ते हैं कि अब जो पैनल है, हमको पैनल के अब स्टेप्स पे आने वाले हैं, क्योंकि अब पैनल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब ये सब लोड वगैरह आपने निकाल दिया है कि चार्जिंग लोड क्या रहेगा, उस लोड को उठाने के लिए उसका बैटरी साइज़ क्या रहेगा, बैटरी को चार्ज करने का करंट क्या रहेगा, ठीक। अब ये जो चौथा स्टेप रहेगा हमारा, आपको ये निकालना है यहाँ पे कि अब लगभग हमें कितना करंट चाहिए, टोटल कितना करंट चाहिए कि आपका घर का लोड भी, होम लोड भी, और प्लस आपका जो बैटरी चार्जिंग करंट है वो भी उठा सके, ठीक, होम लोड भी और बैटरी चार्जिंग करंट भी, ये दो को अब हम इसे फोर्थ स्टेप में समझेंगे, ठीक। अब ये फोर्थ स्टेप में आपको पता है कि होम लोड कितना था, हमने ऊपर बताया था आपको कि होम लोड, पहले होम लोड करंट था, होम लोड करंट है ये, ठीक, होम लोड करंट था ये आपका 25 एम्पियर, और जो बैटरी चार्जिंग करंट था वो था 20 एम्पियर। अगर इन दोनों को प्लस ही तो करना है, तो ये टोटल मिला के आपको 45 एम्पियर आएगा, ठीक, 45 एम्पियर आपको करंट चाहिए, ठीक, किसी भी हालत में आपको 300 वोल्ट को उठाने के लिए और साथ साथ बैटरी को चार्ज करने के लिए। नाउ अगर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, फिफ्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप में आ गए, फिफ्थ स्टेप में अब हमको
रियल कितने वॉट का पैनल चाहिए, ठीक है, सोलर प्लेट पावर को निकालेंगे हम। सोलर प्लेट पावर कितना चाहिए हमें, तो इसका फॉर्मूला है सिमिलर रहेगा, वही पावर का फॉर्मूला जिसमें आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशन शो करता हो, ठीक। P इज इक्वल टू वी आई। आपको यहाँ से निकालना क्या है कि आपको सोलर पैनल का पावर चाहिए, तो P आपको अननोन है, ठीक, और वोल्टेज वोल्टेज आपको पता है कि 12 का स्टैंडर्ड लेके चलते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ वेरी करेगा भी, हम आपको बताएंगे। करंट आपके पास है 45 एम्पियर, ठीक है, ये खाली आपका नोन है। अब इसमें 12 वोल्ट में क्या होता है कि इसकी एक थोड़ी सी कथा है, वी हैव टू नो दैट। ये क्या, जो मार्केट में जो पैनल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 125 वाट के, या हम कह दें कि 180 वाट के, या कह दें 375 वाट के, या 440 वाट के, तो ये जितने भी पैनल होते हैं ये आपके मोस्टली मिलेंगे आपको 12 वोल्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से देते हैं। ये आपको देते हैं, ये आपको 22 वोल्ट के वोल्टेज के हिसाब से देते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पे कि जो सुना होगा आपने ओपन सर्किट वोल्टेज एंड क्लोज सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज एंड क्लोज सर्किट वोल्टेज, ये डिफरेंस क्या रहता है इन दोनों में। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इज व्हेन जब आपका जो मॉड्यूल है, पैनल है, एरे है, वो जब उसकी वायरिंग नहीं होती है, मतलब वो नया नया पैक आया हुआ होता है पैनल, और वो नए नए पैनल पैक आया हुआ होता है, इसकी वायरिंग नहीं हुई होती है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज में उस टाइम उसका वोल्टेज जो रेंज रहती है वो लगभग 18 वोल्ट से 22 वोल्ट रहता है। लेकिन यही बात अगर हम क्लोज सर्किट वोल्टेज की करें इसकी, तो क्लोज सर्किट वोल्टेज में क्या, जो वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो, जैसे आपने क्लोज किया, आपने वायरिंग कर दी है पैनल की, ठीक है, उसको वायरिंग आपने बोर्ड में दे दी है, क्या कहीं पर भी आपने सपोर्ट में दे दी, आपने बैटरी बैकअप में दे दी, कहीं पर भी दे दी, उसमें आपने वायरिंग कर दी है, लोड चल रहा है, करंट चल रहा है, तो उस टाइम उसकी जो क्लोज सर्किट वोल्टेज में जो वोल्टेज रेंज होगा वो 14 से 16 वोल्ट रहेगा। तो हम इसमें मिनिमम मान के चल रहे हैं कि आपने 14 वोल्टेज का जो आपका पैनल है वो कैरी करता है क्लोज सर्किट वोल्टेज को, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने देखा कि आपके यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला लगा रखा था हमने, पावर जो वी इंटू आई था, उसके अकॉर्डिंग आपने जो आपको वोट चाहिए था, कितना सोलर प्लेट पावर रहना चाहिए, तो लगभग आपने यहाँ पर क्या करना है, वोल्टेज आपको पता चल गई कि 14 हमने क्लोज सर्किट वोल्टेज कनेक्टेड है, ठीक है, ओपन नहीं है, कनेक्टेड ही रहेगा, तो करंट एम्पियर आपके 45 एम्पियर है, तो यहाँ पर पावर आपका जो निकल के आएगा टोटल 630 वाट के, ठीक है, 630 वाट निकल के आएगा, ठीक है। सो आपको टोटल आपके सारे, मतलब देखा जाए कि
आपको नंबर ऑफ डिजिट्स सबके मिल गए, अब खाली नंबर ऑफ पैनल्स आपको बताने हैं कितने चाहिए। लोड पता चल गया, तो हम स्टेप बाय स्टेप अब नोटिफाई कर लेते हैं। अब हमारे पास अब क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं। पहले सबसे पहले हमने निकाला था डीसी करंट को, डीसी करंट कितना रिक्वायर्ड था, डीसी करंट कितना रिक्वायर्ड था वो हमने निकाला था, वहाँ से हमारा आया था 25 एम्पियर। सेकंड स्टेप रहा हमारा कि हमें लगभग कितने बैटरी का साइज़ चाहिए, बैटरी साइज़ जो निकला वो आपका आया 200 AH, ठीक 200 AH आया आपका। तीसरा तीसरा आपको पता चला कि आपके जो बैटरी का चार्जिंग करंट है वो है आपका टोटल 20 एम्पियर। चौथा आपने ये निकाला कि टोटल करंट रिक्वायर्ड, टोटल करंट रिक्वायर्ड वो आपने निकाला था किसे, बैटरी के चार्जिंग करंट से वो डीसी करंट से, जिससे यू आर हैंडलिंग द लोड ऑफ 300 वाट, वो आपका टोटल आया था 45 एम्पियर, 20 प्लस 25 है ना, बैटरी चार्जिंग करंट और डीसी करंट को टोटल करके ये आपका चौथा पता चल गया। पांचवा के तो पता चला जो सोलर पैन सोलर प्लेट पावर का जो है आपने अभी कैलकुलेट किया वो टोटल आया आपका 630 वाट। तो आपके पास कुल मिला के ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। हाँ टोटल मिला के आपको एक 25 एम्पियर डीसी करंट, बैटरी साइज 200 AH, बैटरी चार्जिंग करंट 20 एम्पियर एंड टोटल करंट रिक्वायर्ड 45 एम्पियर, सोलर प्लेट पावर जो है आपका 630 वोल्ट। अब हमें फाइनल किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ज़रूरत है सोलर प्लेट पावर की। तो सोलर प्लेट पावर को निकालने के लिए सपोज़ हमें 630 को हमने पैनल ले रखा है, आपको रेंज मैंने बताया था 125 का रहता है पैनल और 180 का रहता है और 375 की मोस्टली पैनल जो आते हैं इन वॉट्स के हिसाब से आते हैं। और ये आपके जो वॉट रहते हैं ये आपके 12 वोल्टेज के लिए होता है, ये होता है आपके 22 वोल्टेज के लिए, ठीक है सॉरी 24। तो यहाँ पे हमने ये 24 वोल्टेज के लिए जो निकाल वो 12 वोल्ट के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम इसको ले लिया हमने यहाँ पर अगर 125 वोल्ट का अगर हमने वो ले रखा है पैनल, तो 630 को हमें सीधी डिवाइड कर दो 125, तो 125 के हिसाब से आपका 5.04 आ जाएगा, 5.04 पैनल, ठीक है। ये आपका सोलर पैनल जी मॉड्यूल कहते हैं वैसे तो, पैनल में थोड़े से नंबर ऑफ पैनल्स जब काउंट होते हैं, जैसे 3 मॉड्यूल लगे, 4 मॉड्यूल लगे, तो ये आपका ये 5.04 पैनल्स हो गए। आपका लगेगा सो ये पैनल है अपने
300 वोट के लोड को उठाने के लिए इतना पैनल लगेगा। तो 5.04 तो कुछ नहीं, और राउंड ऑफ अगर हम देखें तो ये 5 पैनल ही लगेंगे। ठीक, सो ये सिंपली मेथड था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच पैनल वी रिक्वायर्ड एंड हाउ मच मॉड्यूल वी रिक्वायर्ड, हाउ मैनी मॉड्यूल वी रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग एंड फॉर कंट्रोलिंग द लोड ऑफ सिंपल 300 वॉट एंड अदर 400 वॉट, और जितना भी आपके घर में जितनी भी कैपेसिटी है उसको हम स्टेप बाय स्टेप करके पैनल के रिक्वायरमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड था। सो आई थिंक यू हैड अंडरस्टूड मैनी थिंग्स अकॉर्डिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट द होल क्राइटेरिया वट एवर वी हैड स्टडीड राइट नाउ। सो that's all about this video. We are making the video for providing you the best knowledge. So thank you, please subscribe this channel, and if you like then like this channel too. Thank you, and comment there if you require more video regarding other topic, then I can easily simply make the knowledgeable video over that topic. So thank you. Thank you very much for watching.